आप लोगों को एक बात सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी एक बूढ़ी माता के पास भोजन करने गए। निमंत्रण दिया था बूढ़ी माता ने उन संत जी को। वे संत जी आए और अब इतने सारे पकवान बनाए उन बूढ़ी माता ने, बहुत सारे, सब कुछ बना दिया और परोस भी दिया। पर वे माता पापड़ परोसना भूल गई और पापड़ रखे थे सामने बिल्कुल महात्मा जी के। अब महात्मा जी का ध्यान पापड़ों पर जाए, खाने में मन ना लगे, पापड़ पर ही जाए। कभी कभी करोड़ों की चीज भी दो कौड़ी की लगती है और कभी कभी कौड़ियों की चीज करोड़ों की लगती है। महात्मा जी का ध्यान उन्हीं पे जाए, पर क्या करें, कह भी नहीं सकते। तो बोले कि बूढ़ी माता, अच्छा हुआ कि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे बहुत लंबा सांप मिला, बहुत लंबा सांप था। तो बूढ़ी माता ने कहा, कितना लंबा था? यहां से वो रखी हुई पापड़ की थाली उतना ही लंबा था। अरे महात्मा जी, मैं आपको पापड़ परोसना तो भूल ही गई। अरे नहीं नहीं, महात्मा जी बोले, हम तो तुम्हें सांप की लंबाई बता रहे थे कि कितनी थी। तो कभी कभी योजना बनाने से काम बन जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। आपको बताएं, एक आदमी के घर आया एक मेहमान, अब जाने का नाम ही ना ले। अब पत्नी से पति ने कहा कि ये मेहमान तो जा ही नहीं रहा है। पत्नी बोली कि और खबाओ व्यंजन उसको और करो स्वागत सत्कार, क्यों जाएगा वो, उसको तो ऐश है यहां पे। तो अब पति बोला, नहीं नहीं, फिर भी कोई उपाय बताओ। तो पत्नी बोली कि एक काम करो, मैं रोऊंगी, तुम मुझे डांटना कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। तो मैं कहूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो तुम कहना मत बनाना, तो वो चला जाएगा। बस योजना तैयार हुई। पति डांटने लगा कि तुम भोजन अच्छा नहीं बनाती हो, क्या करती हो तुम। तो पत्नी रोने लगी, बोली मैं इतने मेहनत से तो बनाती हूं और तुम मुझे डांटते रहते हो, आज से मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। तो पति बोला, मत बनाना। अब तो मेहमान ने उठाया अपना थैला, सोचा कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कैसे मिलेगा, चला गया। पत्नी रो रही थी तो पति बोला कि अरे हम तो झूठ माट का डांट रहे थे, कोई सच्चा डांट रहे थे क्या। तो पत्नी बोली, हम भी तो झूठ माट के ही रो रहे थे, कोई सच्चे थोड़ी रो रहे थे। आश्चर्य इतने में मेहमान आ गया, बोला हम भी तो झूठ माट के ही गए थे, कोई सच्चे थोड़ी गए थे। तो कभी कभी योजना बनाने से काम नहीं भी बनता है।